नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी थी और उसके ऊपर एक एग्जांपल भी किया था। आज हम एक और एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमारा किस तरह से है, कंसीडर अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी कोडोमेन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेट हो, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर टी, वेयर टी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, देन फॉर एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू वी ओवर सी। एफ जी हमारा इनर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन है, ये वाला इनर प्रोडक्ट क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है। वो चारों कंडीशन हमने कल बताई थी, ये वाली चार कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे और कहाँ से कहाँ हो, वी क्रॉस वी से एफ पे, उसको हम इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। तो हमारा ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। और ये इनर प्रोडक्ट अगर हमारा जो प्रूफ होके आएगा वो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमें ये फंक्शंस दे रखे हों और इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट सिर्फ बोला हो और डिफाइन ना किया गया हो, तो हम उसको जो है ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। तो हमें इससे इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करना है, तो हमारी कौन कौन सी चार कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारी किस तरह से है, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा कॉमा अल्फा का कंजुगेट। तो यहाँ पे देखो, हमने एफ और जी किस तरह से डिफाइन कर रखा है, एफ जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू जी टी बार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जी टी हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पे जो फंक्शंस हमारे दे रखे हैं वो कहाँ से कहाँ दे रखे हैं, ए कॉमा बी से सी पे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो यहाँ पे जी टी जो है वो एफ टी जैसे हमारा यहाँ सी पे जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे अगर जी होगा तो वो जी टी कहाँ जाएगा, सी में जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा डिफाइन कर रखा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होता है, तो हम इसको लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमने जी एफ लिखा ए टू बी, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे एफ था वहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। अब देखो यहाँ पे जी है तो यहाँ पे हम जी लिख लेंगे, और यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ टी बार, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया, और चूंकि यहाँ पे पूरे के ऊपर बार लगा है तो हम इसके पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन को हम जैसे रिप्लेस कर देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन इसको समेशन से रिप्लेस कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पे जैसे समेशन जब होता है ना, समेशन जैसे जेड वन प्लस जेड टू है, अगर इसके ऊपर बार लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड वन बार प्लस जेड टू बार। इसी तरह से इंटीग्रेशन को जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी टी के ऊपर बार रहेगा, एफ टी के ऊपर बार पहले से पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जी टी इंटू एफ टी बार का इस तरह से, ठीक है। और जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये जी टी के ऊपर बार आ जाएगा, एफ टी के ऊपर दो बार बार आ जाएगा, चूँकि हमारा क्या होता है, जेड वन डॉट जेड टू बार इज इक्वल्स टू जेड वन बार डॉट जेड टू बार, ठीक है। तो यहाँ पे एफ टी के ऊपर डबल बार आ जाएगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है उसके ऊपर डबल बार है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, जेड के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ से ये चीज़ लिख दी, और ये हमारी किसके इक्वल है, हम इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। एफ टी हमारा ऐसे ही है, एफ टी लिख दिया, जेड टी बार है उसको जेड टी बार लिख दिया, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो ये कम्यूट भी करते हैं, तो इसलिए हम चाहे इसको ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, बात एक ही है। और ये हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं एफ कॉमा जी के इक्वल है, तो हमने इसको एफ कॉमा जी के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन किस तरह से हमारी होती है कि ए बी अगर दो स्केलर्स हैं फील्ड के, अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस यानी कि वी क्रॉस वी के नहीं, अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे बी के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी स्केलर है, अल्फा बीटा गामा हमारे वेक्टर स्पेस वी के वेक्टर्स हैं, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमने लिया टी, चूँकि पैरामीटर है ए कॉमा बी में, और इस तरह से डिफाइन किया ए एफ वन प्लस बी एफ टू कॉमा जी, जहाँ पर एफ वन एफ टू जी हमारे कहाँ से हैं, वेक्टर स्पेस से हैं। अब यहाँ पे देखो हमने इसको इस तरह से लिखा, अब हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन है, एफ जी इज इक्वल्स टू एफ टी जी टी बार, यानी सेकेंड वाले फंक्शन के ऊपर बार लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पूरा फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसको, ऐसे एज आ एफ, ठीक है।
और इसको सेकेंड मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला ऐसे जैसा यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देंगे ये चीज़, सेकेंड वाले के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको अंदर ले जाएंगे। तो ये ए तो हमारा कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा ए से बी। अब यहाँ पे ये जो ए है ये स्केलर है, और ये जो ए दे रखा है ये लिमिट का दे रखा है, ये सेम नहीं है, ठीक है। या फिर अगर इसको हम चाहें तो ए बार ए प्राइम भी लिख सकते हैं इस तरह से स्केलर को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से इसको हमने लिख लिया, ए हम ए प्राइम हमारा चूंकि कांस्टेंट था, स्केलर था, उसको हमने बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बी प्राइम, इसको हमने बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, अगर हम इसको ये जो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन है उसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे इसके साथ अगर कंपेयर करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ वन जी, ठीक है। ये हमारा एफ वन जी आ जाएगा और ये हमारा एफ टू जी आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिख ली, ए एफ वन जी प्लस बी एफ टू जी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी एफ कॉमा एफ, ये हमारी किस तरह से हो जाएगी, ए टू बी एफ टी डॉट एफ टी बार। अब यहाँ पे हम z के बारे में जानते हैं कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z z बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a टू b मॉड एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मॉड z जो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। और इंटीग्रेशन में जैसे हम जानते हैं कि मॉड अगर लगाए, जैसे एग्जांपल के लिए माइनस वन से मॉड एक्स डी एक्स, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे मॉड लगा ना, मॉड के बारे में जानते हैं कि ये एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, एक्स कब होगा जब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो, और माइनस एक्स कब होगा जब एक्स लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ वेरी करती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन से वन। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब माइनस वन से ज़ीरो के बीच में रहेगा, चूँकि ये वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का एक्स रखेंगे प्लस ज़ीरो से वन। और जब ये वाली कंडीशन है, चूँकि यहाँ पे ज़ीरो से वन के बीच में है, तो ये वाली कंडीशन आएगी, तो हम एक्स रखेंगे, तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस को ऐसे ही बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन से ज़ीरो, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू ज़ीरो से वन, ठीक है। ये तो हमारा पॉजिटिव है, देखने में लग रहा है कि हम यहाँ पे वन पुट कर देंगे तो ये वन बाई टू आ जाएगा बस। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जब हम पहले ज़ीरो पुट करेंगे फिर हम माइनस वन पुट करेंगे, तो ये इसकी लिमिट अगर हम पुट करें तो माइनस तो बाहर ही रहेगा। तो पहले ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो माइनस का, फिर माइनस वन पुट करेंगे, तो ये माइनस वन का स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से माइनस ज़ीरो माइनस माइनस वन की माइनस वन का स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, वन बाई टू, तो ये वन बाई टू आ गया। और यहाँ से भी हमें वन बाई टू मिला था, तो वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर आया। तो इस तरह से अगर मॉड लगाया है तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि f कॉमा f इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ t इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर हम वेक्टर्स के फॉर्म में देखें तो अल्फा अगर कोई वेक्टर है वेक्टर स्पेस v का, तो अल्फा कॉमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज ज़ीरो। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चूंकि f कॉमा f हमारा किस तरह से आया था, इनर प्रोडक्ट ये आया था, तो हमने मान लिया कि पहले हमें ये दे रखा है तो हम ये प्रूफ करेंगे। दोबारा हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे, या फिर हम इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया एफ कॉमा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इंप्लाई करेगा ए टू बी मॉड एफ टी मॉड स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर ये दे रखा है तो इससे हम यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है। जब आप रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी आती है कि मॉड एफ टी अगर ये ज़ीरो है, मॉड एफ टी की पावर टू है और उसका इंटीग्रेशन अगर ज़ीरो है, तो एफ टी हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिमिलरली इधर से अगर हम जाएंगे तो एफ टी अगर हमारा ज़ीरो है तो यहाँ पे एफ टी पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें अपने आप ज़ीरो मिल जाएगा, और यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इधर से हम इधर जा सकते हैं, इधर से हम इधर जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूफ हुआ कि
इनर प्रोडक्ट अगर हमारा ज़ीरो है एफ कामा एफ का, तो एफ टी हमारा ज़ीरो होगा, और सिमिलरली एफ टी अगर ज़ीरो है तो एफ कामा एफ का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो हमने चारों प्रॉपर्टी जो है शो कर दी, तो इससे क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा था ये क्या हो गया, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।